एलडीएम से बात करके या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोन दिलवाइए, वरना होम स्टेज की बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनको एसडीएम साहब को एक्सप्लोर करना चाहिए। नवाज ने बोला कि हमने अभी 25-30 लाख का एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम अच्छे अच्छे होम स्टे बनाएंगे, वैसे कोशिश करिए, ठीक है ना। फसल बीमा योजना यानी कि क्रॉप का इंश्योरेंस। अब आपका हर जगह मौसम खराब होने का कंप्लेंट आता है कि फसल डैमेज हो गई, एप्लीकेशन देते हैं तहसील ऑफिस में, प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है। आप लोगों का एक बार के सीजन का 20 से 30 या 70 रुपए का पेमेंट रहेगा और उसके बेसिस पे पर हेक्टेयर का रेट आपको मिलेगा अगर आपकी फसल डैमेज होती है। तो जो क्रॉप इंश्योरेंस की कंपनी थी वो आ चुकी है और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अवेयरनेस हर गांव-गांव में होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रॉप इंश्योरेंस अब लोगों को मिला करेगा अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रीमियम देना शुरू करें। जिन लोगों का केसीसी का अकाउंट है उन्होंने बस उसी अकाउंट के डिटेल्स दे देने हैं और उसके बाद उनका काम हो जाएगा। एनएफएसए का जो एडिशनल राशन, सभी लोगों ने बात उठाई है, डायरेक्टर ऑफिस में ऑलरेडी इसके लिए हमारी तरफ से अभी रिसेंटली एक प्रपोजल गया जिसमें हमारे जो हार्ड एरियाज है दच्छन, मड़वा, वार्ड 1, पाडर, इन इलाकों के जो राशन की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ आम क्रॉप ज्यादा नहीं उग पाते, तो इसके लिए प्रपोजल चला गया हमारी तरफ से और हम लोग फॉलो अप करेंगे क्योंकि सरकार इस प्रपोजल को मांगा उन्होंने खुद हमसे, तो मेरे को उम्मीद है जल्द से जल्द हमें इसमें कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीएफसी में अगर आप बोलेंगे तो हम ड्रेन क्लीनिंग के लिए मशीनरी खरीद सकते हैं, प्रोवाइडेड के वो डिपार्टमेंट से जरूरत आए हमको, क्योंकि अब स्वच्छ भारत के अंडर ब्लॉक्स के ऊपर जिम्मेदारी है गांव गांव में सफाई की। आप लोग हमारा साथ देंगे तो बाकी 12 स्कीमों का भी ऊपर वाले का साथ रहेगा, तो अगले 2 महीने में अलॉटमेंट कर देंगे और उनके भी काम शुरू करा देंगे।